तो जो रोग कटने लग रहा है वो भी फायदा कर रहा है गुरु जी। एक बार बहन जी मेरे पास आई, बहन जी के बहुत सारे घाव थे, एक घाव ये हाथ का भी था, ये घाव ठीक होने लग रहा है और तकरीबन इसमें 90% आराम पड़ गया। ऐसा ही ना, जो रात दिन के दर्द थे क्या उनमें आराम पड़ा आपको दर्दों में, और क्या ऐसा बदलाव आया आपके जीवन में? अभी पूरे शरीर की सोजन में कमी आई है, आई है। दवाई तो पहले भी खा रहे थे, क्या इसी हिसाब से ठीक हो रहे थे? इतनी उन्नति हो रही थी आपकी, नींद भी आने लगी। हो क्या रहा था आपको? दरअसल बहुत सारे घाव थे ऐसे, नींद भी आने लगी, पहले नींद भी नहीं आती थी, ये घाव होते थे एक के बाद एक घाव हो जाता था और फिर बंद नहीं होता था। ये वही बहन जी है जिनके एक बार पैर पे मैंने तेल लगाया था और यहाँ से यहाँ तक का घाव था, देखिए दूसरे पैर पे भी है। ये लेकिन ये ठीक हो गया था। आइए थोड़ा, ये रह रहा, ये इसमें थोड़ा सा बस ये रह रहा था, ये बहुत बड़े बड़े घाव थे इनके। तो जो ये घाव अभी फिलहाल चल रहा है, हाथों पे ऐसे ही तो था, ये ना देखा। जब से यहाँ आए हो क्या क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? दौरे भी कम हो रखे गुरु जी। दौरे कम हो गए, नींद सबसे बड़ी बात है गुरु जी, दौरे अब कम हो गए गुरु जी, दौरे अब कम हो गए और नींद नींद भी आने लगी, नींद भी आने लगी। और बोलो, अब ये जख्म भी कम हो रहे हैं, अब जख्म भी कम हो रहे हैं दोनों ही, और सोजन सोजन भी कम हो रहा है। तो क्या जब डॉक्टर के यहाँ इलाज कराते थे क्या ऐसा ही हो जाता था आपको? इसका मतलब यज्ञ शक्ति ने आपको प्रभावित किया ये मानते हो? क्या आप यज्ञ करा रहे हैं उससे आपको लाभ मिले ये मानते हो? बोलो जय शनिदेव। किसने भेजा था? जय हो। यही लेके आया, यूट्यूब पे ही देखा था। अब अपने आप को देखते हो कैसा लगता है? ठीक लगे, आनंद आता है, मतलब आप कोई संदेश अच्छा दे रहे हो संसार में। बिल्कुल गुरु जी, देख लो घबराओ मत, कभी बनू भैया के यहाँ बुलवा के लुटवा दो किसी को, एक बार दिखा लाग रहा गुरु जी, जी देख ले तू, कभी मनु भैया के यहाँ लुटवा दे किसी को। ना ना हम नहीं बोल रहे, गलत नहीं बोलना है, ये तो शरीर बोल रहा है। यहाँ आने से पहले कभी मुझे देखा था आपने? यूट्यूब पे देखा था, यूट्यूब पे देखा था। हाँ तूने तो वो भी नहीं देखा होगा, नहीं देखा था, मैंने देखा, नहीं तेरे को नहीं पता था। मुझे लगता है कि इस हाथ की भी सोजन भी कम हुई है, घाव भी ठीक हुआ है। इन्होंने इन बहन जी का घाव पहले देखा है, वो फिर से देख ले। ये देखिए ये थोड़ा रह गया है और ये ठीक हुआ। तो दोनों ही सहारे ले रहे हम। अभी आपने कोई दवाई छोड़ी है? शरीर खानी बंद की है? दवाई तो चल रही है, दवाई चल रही है, लेकिन पहले दर्द की दवाई एक्स्ट्रा लेते थे क्या? अब दर्द है नहीं तो आप दर्द की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है? इंजेक्शन लगवा लेती। कौन से दिन? रोज लगते थे, रोज ही लगते थे डेली डेली। अब तो नहीं लगते? नींद भी आ रही है, घाव भी ठीक हो रहे हैं, सूजन भी कम हो रही है। बहुत अच्छे, तालियां बजा दो भाई जोर। बहुत फर्क पड़ रहा है, इत्मीनान है, शांति है, 70% ठीक है गुरु जी, शांति है। सोया ना ज्यादा, सोजन आ जाती मुंह पे बिना सोए गुरु जी, सोजन आ जाती थी और सोया ही नहीं जाओ था ना, नींद सोया नहीं जाता, अब नींद आ जाती, नींद आ जाती है। भाई वाह, क्या घंटे सो लेती है? अब सारी रात सो ले। जब नींद नहीं आती डॉक्टर नींद की दवाइयां भी देते थे, नींद की दवाइयां भी देते थे ना गुरु जी? नींद की दवाई देते लेकिन असर नहीं कर रही थी, वो सोजन आ जाती, वैसे आके हम नींद तो भर जाती, आंखों में नींद भरी जाती, असर नहीं करती थी, चेहरे पे सोजन आ जाती थी, सोया भी नहीं जाता था। जय शनिदेव, बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव।